अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर आज मैं बना रही थी देसी मुर्गा, तो चलो ख्याल आया कि उन्होंने साथ वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, तो यहाँ पर फिर मैं फ़ोन ले आई तो साथ ही खुद ही रिकॉर्ड करने लगी। यहाँ पर मैंने घी डाला था, चूल्हे पे बना रही थी, यहाँ पर मैंने बर्तन में घी डाला और साथ ही उसमें प्याज डाल दिया। यहाँ पर अदरक लहसुन भी साथ में कूट रही थी, तो जो मुर्गा था उससे हमने ज़बा करवा के साफ वगैरह करके काट लिया था और धो के रख लिया। तो यहाँ पर मैंने अदरक भी लिया, लहसुन भी लिया, इसे अच्छे से कूट लूँगी। और प्याज मेरा ब्राउन हो चुका है, अब साथ ही इसमें टमाटर वगैरह डाल दूँगी, टमाटर और हरी मिर्ची डालूंगी। आधी हरी मिर्ची अभी डाली है और आधी बाद में डाली है। उन्हें अच्छे से हम पकाएंगे ताकि ये टमाटर और हरी मिर्ची अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो अब साथ ही इसमें मैं लहसुन और अदरक जो मैंने कूटा था वो 2 चम्मच वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। बहुत ही मज़े का देसी जो मुर्गा था बनता है। कुछ लोग इसे पहले उबाल के पकाते हैं, लेकिन मैंने इसे उबाला नहीं क्योंकि हमने इसे अच्छे से भून के पकाना है। इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट होती है, उबलने से इतनी टेस्ट नहीं आती। इसका तड़का बना के फिर हम डालेंगे और इसे भूनते रहेंगे तकरीबन 1 घंटा तक, तो ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे जी जो हमारे स्पाइसेस हैं, ये भी हम डालेंगे। हम इसमें डाली हैं 2 चम्मच सूखी मिर्च की मैंने डाली है, 2 चम्मच नमक, और फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से ये जो हमारा तड़का है देसी मुर्गे का तैयार हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से अब इसमें डालूंगी ये देखिए देसी मुर्गा जिसे हमने धो के साफ कर लिया था। तो अब हम इसे अच्छे से भुनेंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 2-3 मिनट के ऊपर से कवर करूँगी। ये देखिए इसने पानी छोड़ दिया। अब हम इसे में साथ ही मैंने 2 चम्मच इसमें खुश्क धनिया भी डाल दिया था, और अब हम इसे भूनते जाएंगे। जितना हम इसे भूनेंगे इसकी टेस्ट अच्छी होगी। तो साथ साथ इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालूंगी और भूनती रहूंगी, कवर कर दूंगी ऊपर से थोड़ी देर के लिए, फिर हिलाऊंगी। तो इसे पकाने में मेरा बहुत टाइम लगा था क्योंकि ये देसी मुर्गा पहले आप इसे ज़बा करवाएं, साफ़ करें, और फिर बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पर इस हमारा जो देसी मुर्गा था रेडी हो चुका था, इसमें मैंने अब इन पर हरी मिर्चें डाल दी थी। तो उम्मीद है आपको यह रेसिपी अच्छी लगी। इस वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।